Good evening, students. A very good evening, all of you, my dear students. I welcome you all in the India's largest learning platform, Unacademy. India's largest e-learning platform, Unacademy, my dear students. I welcome you all. To everyone, please share the link with your friends so that maximum number of students can join us. Please share the link. एम आई ऑडिबल? कोई लड़का मुझे बता दे मेरी आवाज आ रही है. और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग. क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग. लेकिन इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग में चलिए, तो ये जो सेशन है हमारा इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग का, पहले हम लोग ईसीएम का एलॉय का एक कुछ प्रॉब्लम करेंगे. और कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ उसमें लगभग मुझे 15 मिनट्स लगेगा जो मैंने कल पढ़ाया इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग. तो आप लोग सब आदमी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जरूर जाके देखिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा. सारा न्यूमेरिकल गेट का बनाना उसमें सीख सकते हैं, बहुत अच्छे तरह से मैंने बताया वहां पे. चलिए, अब दूसरा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग. तो जो लोग भी मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो मेरे बारे में जान सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे. मेरा नाम है शहपर अयाज और मैंने अपना बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में किया है. और मैं अनअकैडमी पर एक प्लस एडुकेटर हूँ. मैं पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पर. ओके, और प्लस एडुकेटर में प्लस कोर्सेज जो हमारा है वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ. और मेरा जो सिलेक्शन आईआईटी कानपुर में भी हुआ था मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लिए. मेरा प्रोजेक्ट वर्क आईआईटी बीएचयू में था. मैं पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, गेट और ईएससी के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे जगह पे करेंटली वर्किंग है और अच्छा काम कर रहे हैं. और बहुत सारे आईआईटी में हैं, मास्टर्स कर रहे हैं और अच्छे पैकेज पे प्लेस भी हुए हैं. ओके एवरीवन, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. ये मेरा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे मेरा नाम सर्च कीजिएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और वहाँ पे मेरा डेली आप मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे आप एलटीक्यू लर्न थ्रू क्वेश्चन सेशन देख सकते हैं एवरीवन. ओके, दूसरी बात, ये मेरा प्रोफाइल है, इस पे आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए बच्चों, इस प्रोफाइल पे. अब बात आती है कि प्लस सब्सक्रिप्शंस की. प्लस सब्सक्रिप्शंस क्यों बेनिफिट्स है, स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या बेनिफिशियरी है प्लस सब्सक्रिप्शंस का सर. तो बहुत, आप जो मेरा अभी अगर इस लेक्चर्स को आप पूरा का पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से मैंने सारे चीजों को काफी अच्छे से आपको बताया है. चाहे स्लैब मिलिंग हो, चाहे फेस मिलिंग हो, चाहे एंड मिलिंग हो, सारे मिलिंग्स को मैंने बहुत अच्छे से आपको, जो भी मेरा मशीनिंग है, ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ऑब्लिक मशीनिंग, फेसिंग, टर्निंग, ब्रोचिंग, सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से बच्चों बताया है. तो मैं अब ये आपको कह रहा हूँ कि ये आप जो यहाँ पे YouTube पे देख रहे हैं इससे अच्छे क्वालिटी में आपको जो पूरा का पूरा लेक्चर स्ट्रक्चर्ड मैनर में विद द टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, वीकली टेस्ट, क्रैश कोर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखने को मिल सकता है कहाँ पे, प्लस कोर्सेज पे. तो मेरे हिसाब से प्लस कोर्सेज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और बहुत यूजफुल होगा. तो आप प्लस कोर्सेज इसका यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शंस. अगर आप अयाज 10 कोड यूज कीजिएगा तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. एंड देयर इज वन अनदर थिंग इज देयर प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अनदर प्लान, प्लस एज वेल एज आइकॉनिक. In iconic subscriptions, we are having this one-on-one guidance preparation strategy. That is, your personal coach is provided, a study planner is provided, a study material is provided, practice sets, notes. ये बहुत अच्छा platform है iconic subscription. तो बच्चे ले रहे हैं iconic subscriptions भी और बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे हैं. तो अगर आपका foundation उतना strong नहीं है, आप एकदम grass root से पढ़ना चाहते हैं, तो आई एम सजेस्टिंग यू टू टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इन विच पर्सनल कोच इज प्रोवाइडेड टू यू माई डियर स्टूडेंट. पर्सनल कोच, राइट?
तो उससे आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। वो पूरा का पूरा आपको मॉनिटर करेगा कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आप सही कर रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे कैसे या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल कीजिएगा, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करिएगा। ये आपको आएगा गोल, मैनेज गोल में जाओगे, सिलेक्ट करोगे गेट एंड ईएसी, गेट एंड ईएसी में आना, उसमें प्लस पे और एक आइकॉनिक भी आपको दिखेगा, तो प्लस और आइकॉनिक पे आप क्लिक कीजिएगा, तो प्लस पे आपका आ जाएगा ये प्लान गेट सब्सक्रिप्शन। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये आएगा क्या प्लान आ जाएगा, 6 मंथ्स का लेना है, 18 मंथ्स का लेना है, कौन सा प्लान लेना है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा आ जाएगा। ओके तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आप IAS10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और फी स्ट्रक्चर जो है वन टाइम पेमेंट भी अवेलेबल है और ईएमआई पेमेंट्स भी अवेलेबल है। अगर कोई वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहता तो ईएमआई ऑप्शंस पे भी पेमेंट कर सकता है, और ईएमआई ऑप्शंस 24 मंथ्स का 1,650 रुपए है, बहुत ही ईजी, 1,500 रुपए लगभग 1,500 रुपए के आसपास, बहुत ही अगर आप इसको देखोगे तो 50 रुपए डेली, तो 50 रुपए डेली आप देखिए इतना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल रहा है। तो ये एक अनअकैडमी ने एक समझ लो एक इंडिया का लर्निंग सीखने का तरीका कोई बदल दिया, और इतना इकोनॉमिकल है अनअकैडमी, आप किसी भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर आप जाओगे तो वहां का कॉस्ट अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करोगे सेम क्वालिटी वहां पे आपको 1,00,000 रुपीज में मिल रही है, यहाँ पे आप घर बैठ कर सेम क्वालिटी आप 50 रुपए पर डे के हिसाब से आप गेन कर सकते हैं। तो डैट इज द मास्टर स्ट्रोक, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये अनअकैडमी का। तो एवरीवन प्लीज ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस एज सून एज पॉसिबल, और IAS10 कोड यूज करना है प्लस 10% डिस्काउंट के लिए गेट एंड ईएससी में, मेरा प्लस कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए भी आपका जो कॉस्ट है ये थोड़ा हाई है, क्योंकि आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा, और जो 24 मंथ्स का पेमेंट है वो 66,600 रुपए है, और 45,225 रुपीज है जो आपका है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ्स का, और एक है 24 मंथ्स का। तो आप IAS10 अगर कोड यूज करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो आप जल्दी से जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में बच्चों, आज का हमारा सेशन है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा, उसे स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा एलॉय इक्वेशन ECM का जो हमारा पार्ट बचा हुआ था। तो हमारा जो पार्ट बचा हुआ था इससे पहले वाला वीडियो देखो, जो भी लड़का मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप हमेशा सबसे पहले मेरा लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, या अगर आप अनकन्वेंशनल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ECM से स्टार्ट कीजिए, फिर EDM, फिर USM, तो ग्रेजुअली आप बढ़िए, डायरेक्टली बीच में देखिएगा, अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो इट्स ओके बल्ले बल्ले, नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप शुरू से लेक्चर देखिएगा, ऑल दी लेक्चर्स आर कनेक्टेड, तो आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें हम लोग एलॉय इक्वेशन पे। अगर सर एलॉय का MRR निकालने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे, आइए तो ये मुझे लगता है गेट में कभी भी टपक सकता है, मेरा अंदाजा है ये कभी भी टपक सकता है, टपकेगा, कभी भी टपकेगा, कब टपकेगा, जब टपकेगा तो आपको याद आएगा यार सर ने बताया था। तो एलॉय इक्वेशन हमारा, एलॉय क्या है, दो मेटल्स के मिक्सचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलॉय ए और बी, राइट। तो एलॉय जो है हमारा, तो सिंगल मेटल का तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे आयरन का, कॉपर का, बहुत सारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कर रहे हैं, तो अगर हमारा एलॉय होगा तो कैसे करेंगे, तो पहला केस हम ले रहे हैं बाइनरी एलॉय, मैं ले रहा हूं पहला बाइनरी एलॉय, बाइनरी एलॉय। ओके चलो, तो एक बाइनरी एलॉय अगर अपन लेते हैं तो ये अगर तुम्हारा बाइनरी एलॉय है, मान लो ये ए है ये बी है, ये बाइनरी एलॉय है दोस्त, ये है ए ये बी, दो बाइनरी एलॉय है, सॉरी दो बाइनरी, बाइनरी एलॉय में दो एलिमेंट होगा, बाइनरी मतलब दो, एक ए एलिमेंट है एक बी एलिमेंट है, ठीक है। अब आ जाओ, मान लो कि तुम्हारा इसका एटॉमिक वेट है ए और वैलेंसी है ए और डेंसिटी है ए, ओके इसका एटॉमिक वेट है बी
इसका वैलेंसी है बी एंड डेंसिटी है बी, यही होगा ना। सबका वैलेंसी अलग अलग होगा, एटॉमिक वेट अलग अलग होगा, डेंसिटी अलग अलग होगा, इतना ही होगा बाइनरी एलॉय में। तो अब तुम बताओ मुझे, क्या तुम ई ए निकाल सकते हो? ई ए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, तुम बोलोगे सर एटॉमिक वेट ऑफ ए अपॉन वैलेंसी ऑफ ए। सिमिलरली मैं बोलू ई बी एटॉमिक वेट ऑफ बी अपॉन वी बी, एटॉमिक वेट ऑफ बी अपॉन वी बी, राइट? एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन वी बी, तो ये हमारा आ रहा है, तो ये तो हमारा आ गया। तो अगर हमें मान लो ये तुम्हारा एक्स परसेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ये तुम्हारा मान लो एक्स परसेंट है, ये तुम्हारा मान लो एक्स परसेंट है, ए जो है वो एक्स परसेंट है, तो वाई कितना होगा, बी कितना होगा, बाइनरी है ना, ए है एक्स परसेंट, तो बी कितना होगा, 100 - x% बाइनरी है, बाइनरी है, तो टोटल समेशन क्या होगा 100। तो ये अगर एक्स परसेंट है तो उधर वाला 100 - x होगा, या इसको वाई मान लो तो एक्स प्लस वाई 100% हो जाएगा, एक ही बात है। तो अब यहां पे अगर ऐसा है तो अब यहां ध्यान देना, अगर तुम्हें ई एलॉय निकालना होगा, हमें अब मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एम आर आर निकालो एलॉय का, तो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि एम आर आर एलॉय का निकालना है हमें, देखो यहां पे एम आर आर ऑफ द एलॉय, तुम बोलोगे ई एलॉय करंट तो सेम पास करेगा, पी आई अपॉन रो एलॉय, और एफ तो कांस्टेंट है, एफ से तो कोई मतलब है नहीं, एफ तो 96,500, करंट जितना सर्किट प्रोवाइड करेगा उतना करंट जाएगा। अब ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट किसका होता है, एलिमेंट का, और एलिमेंट किसके अंदर होगा, एलॉय के अंदर, तो एलॉय के मदद से, एलॉय में जितना एलिमेंट है उसके मदद से एलॉय का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना आना चाहिए, और डेंसिटी ऑफ द एलॉय हमें निकालना आना चाहिए, तभी हमें एम आर आर एलॉय निकलेगा ई आई बाई रो एफ। पिक्चर क्लियर? ये निकलेगा किसमें, mm³/s में, और अगर बोलेगा ग्राम में तो ई एलॉय आई बाई एफ, ई एलॉय आई बाई एफ, रो हट जाएगा, मालूम ही है सबको, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो याद रखना ई एलॉय कैसे निकालते हैं, 1 बाई ई एलॉय, 1 बाई ई एलॉय, 1 बाई ई एलॉय। तो 1 बाई ई एलॉय तुम्हारा होगा जिसका जितना परसेंटेज है, सुनो, एक्स परसेंट ऑफ 1 बाई ई ए प्लस 100 - x% इनटू ऑफ 1 बाई ई बी, एक्स परसेंट ऑफ 1 बाई ई एलॉय प्लस 100 - x% ऑफ 1 बाई ई बी। तो ये आप याद रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई ई एलॉय, 1 बाई ई एलॉय इज इक्वल्स टू एक्स बाई 100 इंटू 1 बाई ई एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, तो वी ए बाई एटॉमिक वेट ए प्लस 100 - x अपॉन 100 इंटू एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, तो दैट इज द वैलेंसी ऊपर चला जाएगा, वी बी अपॉन एटॉमिक वेट बी। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो यहां से आपको ई एलॉय हमेशा रेसिप्रोकल इस तरह निकलेगा, 1 बाई ई एलॉय। ये हमारा ई एलॉय का एक्सप्रेशन आ गया, पिक्चर क्लियर? तो ये हमारा आ गया ई एलॉय का एक्सप्रेशन, तो ये आ गया ई एलॉय। अब निकालेंगे रो एलॉय, तो रो एलॉय कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो ये भी इसी तरह निकलेगा, 1 बाई रो एलॉय इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ 1 बाई रो ए प्लस
प्लस 100 माइनस एक्स परसेंट ऑफ 1/ρb। ओके तो ये 1/ρa इंटू 1/ρb इस तरह निकलेगा, और रो ए और रो बी आपको डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया रहता है, वो एटॉमिक वेट और वैलेंसी की मदद से निकालते हैं। तो ये भी आप याद रखना है, 100% याद रखिएगा। ओके एक्स परसेंट इंटू 100 माइनस एक्स परसेंट। ओके अब आते हैं टर्शियरी एलॉय के केस में, ये आप कर लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ओके मैं उतना डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, परसेंटेज को हटाइएगा, 100 के टर्म में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं टर्शियरी। ओके या टर्नरी एलॉय भी बोल सकते हैं, टर्नरी एलॉय। ओके बाइनरी के बाद टर्नरी एलॉय, तो यहां पे आपका ये ऐसा आएगा, ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी, दिस इज योर एक्स परसेंट, दिस इज योर वाई परसेंट एंड दिस इज योर जेड परसेंट सपोज। तो इसको तुम 100 माइनस ये भी बोल सकते हो, क्या 100 माइनस x माइनस y, राइट ऐसा ही बोल सकते हो, लेकिन जेड मान लो इसका। अगर तुम्हारा एटॉमिक वेट क्या है, मान लो ये एटॉमिक वेट ए वैलेंसी ए, एटॉमिक वेट बी वैलेंसी बी, एटॉमिक वेट सी वैलेंसी सी, तो बस कुछ नहीं है, ई एलॉय सेम उसी तरह निकलेगा, 1/1 ई एलॉय इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू जल्दी क्या होगा, 1/ea, ea आप निकाल लीजिएगा मुझे मालूम है, इंटू एक्स परसेंट मीन्स एक्स बाई 100 प्लस 1/eb इंटू वाई बाई 100, 1/ec इंटू जेड बाई 100। पिक्चर क्लियर? तो 1/ρa निकालेंगे फिर इसी तरह, बट गेट के क्वेश्चन में अभी तक रो वैरी नहीं किया, रो दिया हुआ है, 1/ρa इंटू एक्स बाई 100 प्लस 1/ρb इंटू वाई बाई 100 प्लस 1/ρc इंटू जेड बाई 100, जेड परसेंट, राइट। तो इस तरह हम निकाल लेंगे और MRR निकाल लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से इस पे। चलो एक क्वेश्चन मेरे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो तो एक क्वेश्चन मेरे पास है कि ए रिसर्चर कंडक्ट्स इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ECM ऑन अ बाइनरी एलॉय। क्या वर्ड लिखा हुआ है? बाइनरी एलॉय, जो भी मैंने पढ़ाया। अच्छा बाइनरी एलॉय है, यहाँ पे डेंसिटी डायरेक्टली दी हुई है बाइनरी एलॉय की, मतलब रो एलॉय दिया हुआ है हमें, रो एलॉय दिया हुआ है 6000 केजी पर मीटर क्यूब, 6000 केजी पर मीटर क्यूब। चलो और क्या क्या है इसमें, ऑफ आयरन, आयरन एंड अ मेटल पी, मतलब आयरन है और मेटल पी है। चलो तो आयरन है और मेटल पी है, चलो आयरन है और मेटल पी है, तो मान लेता हूं ये है मेरा मेटल पी और ये है आयरन। चलो तो आयरन का एटॉमिक वेट दिया हुआ है, 56 और वैलेंसी दी हुई है 2, एटॉमिक वेट 56 वैलेंसी 2 एंड अ मेटल पी ऑफ एटॉमिक वेट, इसकी एटॉमिक वेट कितनी है मेटल पी की, है 24 और वैलेंसी 4, इसका इक्विवेलेंट वेट पी का निकालोगे कितना आएगा, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी मतलब 6 और EFE का निकालेंगे तो 28 एटॉमिक वेट वैलेंस, दोनों का इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए। अब चलते हैं, ये है मान लो क्या कह रहा है, वॉल्यूमेट्रिक MRR, MRR ऑफ द एलॉय भी दिया हुआ है क्वेश्चन में,
के द वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल रिमूवल रेट, वॉल्यूमेट्रिक मीन्स एम आर आर वी, वॉल्यूमेट्रिक वर्ड लिख रहा है ना, वॉल्यूमेट्रिक मीन्स एम आर आर वी, कितना है 50 mm³ पर सेकेंड एट अ करेंट ऑफ, करेंट दिया हुआ है ओके, द परसेंटेज ऑफ द मेटल पी इन द एलॉय, तो पी का परसेंटेज पूछ रहा है कितना है, मतलब यहाँ पे पी का परसेंटेज पूछ रहा है। तुम एक काम करो, पी का मान लो कि ये एक्स परसेंट है, पी का मान लो एक्स परसेंट है, तो ये हो जाएगा 100 - x%, क्योंकि बाइनरी है, अगर पी एक्स परसेंट होगा तो दूसरा वाला 100 - x% होगा, बोलो होगा। चलो तो यहां से अब क्या करते हैं, हमें हमें चाहिए परसेंटेज, तो एम आर आर वी हमें मालूम है, हमें एम आर आर वी मालूम है, तो एम आर आर वी से एम एलॉय निकाल लो पहले, तो एम आर आर वी ये तुम्हारा होगा ई एलॉय आई रो एलॉय अपॉन एफ, यही है ना, तो रो एलॉय कितना दिया हुआ, 6000 kg/m³, 6000 kg/m³। सुनो, अगर रो एलॉय की बात करेंगे यहां पे, 6000 kg, केजी मीन्स 10³, ये हो गया ग्राम, मीटर क्यूब मतलब 10⁻⁹ mm³, यही होगा ना, बोलो, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6 × 10⁻³ ग्राम पर mm³, 6 × 10⁻³ ग्राम पर mm³, बोलो ये आएगा, इसको मैंने बदल दिया kg/m³ ग्राम पर mm³ में। अब चलो एम आर आर वी हमें मालूम है, क्यों बदला mm में, क्योंकि एम आर आर वी दिया हुआ है mm में, तो ये है 50, चलो 50 पुट कर दो, ये तुम्हारा है 50, ई एलॉय हमें चाहिए, क्योंकि ई एलॉय की मदद से ही परसेंटेज निकलेगा, करंट कितना है, करंट 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 2000 mA, चलो 2000 अपॉन 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 6 × 10⁻³ इंटू 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 फैराडे, 96500, बोलो यही है ना, तो क्या आ जाएगा ई एलॉय, क्या आ जाएगा यहां से, जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ई एलॉय की हमारी वैल्यू आ जाएगी, सही, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका ई एलॉय का वैल्यू आ जाएगा 14.47, सॉल्व करके निकालिएगा, ई एलॉय इतना ही आएगा 14.47। जैसे ही ई एलॉय आ गया, अब ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, बाइनरी, बाइनरी का क्या है फॉर्मूला, 1 / ई एलॉय इज इक्वल्स टू 1 / ई ए, तो यहाँ पे पी है ना, इंटू एक्स मान लिए इसको, एक्स बाई 100 प्लस 1 / ई एफ ई इंटू 100 - x/100, बोलो यही है ना, तो 1 / ई एलॉय 1 / 14.475, 1 / ई पी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पी कितना है, 6, 6 × x/100 यार 28, 1/28 इंटू 100 - x/100, राइट, सॉल्व कीजिएगा तो x आएगा आपका, ऐसा ही इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपका x आ जाएगा ओके, ये आपका x आ जाएगा जैसे सॉल्व कीजिएगा 25.488। टाइम की कमी इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ आंसर, आप कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर इसका आएगा 25.488। चलिए तो ये हमारा था, एक दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा, या घोष एंड मलिक की बुक, घोष एंड मलिक की बुक सॉल्व कीजिएगा, तो वहां पे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा जिसमें डेंसिटी वेरी कर रहा हो, एक क्वेश्चन घोष एंड मलिक में है, या आप प्लस कोर्सेस पे आइएगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा एक दो क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया जहाँ पे रो वेरी करता है उसको कैसे बनाएंगे। चलिए तो ये था हमारा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ईसीएम, ईसीएम हो गया फिनिश, अब आगे बढ़ते हैं, तो बाइनरी का मैंने कराया, सिमिलरली टर्नरी का आप कर लीजिएगा, टर्नरी एलॉय का जहाँ पे 3 एलिमेंट होगा, 4 एलिमेंट जितना भी एलिमेंट हो। आइए अब आता है इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीन, देखो Thank you.
इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग इसका दूसरा नाम क्या है? ईडीएम, ईडीएम ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है लो करंट हाई वोल्टेज। ईसीएम किस पे करता है? हाई करंट लो वोल्टेज। ये करता है लो करंट हाई वोल्टेज, तो इसको याद रखेंगे पहला पॉइंट। इट इज ए हाई वोल्टेज, इट इज ए हाई वोल्टेज एंड लो करंट, लो करंट इट इज ए हाई करंट लो, इट इज अ हाई वोल्टेज एंड लो करंट मशीनिंग टेक्निक, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन स्पार्क इरोजन प्रिंसिपल। इस लाइन को याद रखना, ये एग्जाम में आता है। वो क्या था? आयन डिस्प्लेसमेंट। कौन? ईसीएम। इट इज बेस्ड ऑन स्पार्क इरोजन प्रिंसिपल, स्पार्क इरोजन प्रिंसिपल, स्पार्क इरोजन प्रिंसिपल पे काम करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पार्क करेगा और इरोड होगा। मतलब स्पार्क कैसे प्रोड्यूस होगा सब बताएंगे, इरोड मतलब स्पार्क प्रोड्यूस होने की वजह से वो अपने जगह पर से मेटल इरोड होके कट कट के अलग होता जाएगा, कैसे होगा आगे बताएंगे, अभी आप इसको नोट कीजिए। दूसरी बात, एक और इसका क्या है? इट इज बेस्ड ऑन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। स्पार्क इरोजन क्या करता है? आगे थोड़ी देर बाद मटेरियल को मेल्ट कर देता है, फ्यूज कर देता है, या मेल्ट करके हटा देता है जगह पर से, या वेपराइज करके अपने जगह पर से मेटल को इवेपोरेट कर देता है। वो वेपर बन बन के, सॉलिड से वेपर बन बन के उड़ जाता है एटमोसफियर में, तो उस तरह भी मटीरियल रिमूवल होता है। इट इज बेस्ड ऑन इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्या, कहां पे बेस्ड है? इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मेल्टिंग एंड या फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। अगर ऑप्शन में स्पार्क इरोजन नहीं रहेगा कि वर्किंग प्रिंसिपल मैकेनिज्म क्या है ईडीएम का, तो स्पार्क इरोजन पहले टिक करना है। अगर ऑप्शन में दोनों है, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन और स्पार्क इरोजन, तो स्पार्क इरोजन को पहले टिक करेंगे, और अगर स्पार्क इरोजन नहीं है तो फ्यूजन एंड वेपराइजेशन को टिक करेंगे, याद रखेंगे। याद रहेगा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सर्किट देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें ये क्या यूज करता है? ये एनर्जी सप्लाई करने के लिए सर्किट में जो सर्किट बनता है, पहले हम लोग देख रहे थे कि एक बैटरी सेल का यूज किए वो करंट सप्लाई कर रहा था, यहाँ पे ये स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए आरसी सर्किट का इस्तेमाल करता है। ईडीएम यूजेस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिलैक्सेशन सर्किट टू प्रोड्यूस द स्पार्क, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट यूजेस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिलैक्सेशन मीन्स आरसी सर्किट, 12th में पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। इट यूजेज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिलैक्सेशन सर्किट टू प्रोड्यूस स्पार्क, टू प्रोड्यूस स्पार्क। स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिलैक्सेशन सर्किट का इस्तेमाल करता है, ठीक है? अब देखिए यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ चीज, इसका डायग्राम देखिए। आरसी सर्किट का इस्तेमाल तो करता है, डायग्राम में आइए। ये डायग्राम इस तरह का होगा आपका, देखो ये तुम्हारा है टूल,
ये हमारा टूल, ये बीच में एक कैपिलरी है जिससे जिससे हमारा रेजिस्टेंस, जिससे हमारा सॉरी डाइलेक्ट्रिक पास करता है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूड, राइट, डाइलेक्ट्रिक फ्लूड पास करेगा। चलो ये टूल है, थोड़ा सा मैं इसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ये टूल, ओके। अब ये कैसे काम करता है, क्या करता है, देखते जाओ धीरे धीरे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलो ये है हमारा टूल। अब यहाँ पे ये है तुम्हारा वर्कपीस, मान लो ये फिक्स्चर है, ये तुम्हारा फिक्स्चर है, इस पे रखा रहता है वर्कपीस। वर्कपीस को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये है तुम्हारा वर्कपीस, ओके। अब ये है हमारा वर्कपीस, अगर तो ये स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो ये यहां पर का इतना मेल्ट हो जाता है, ये मेल्ट होके इवेपोरेट हो जाएगा यहाँ पर काम हमारा, ओके। इतना पार्ट तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा सेटअप एक बॉक्स के अंदर रहता है, एक बॉक्स के अंदर रहेगा ये पूरा का पूरा सेटअप। ये पूरा का पूरा सेटअप हमारा एक बॉक्स के अंदर आएगा, राइट। तो ये हमारा इस तरह का आता है फोटो डायग्राम, और यहाँ पे एक पंप रहता है और ये इसको रेगुलेट करता रहता है। ये हमारा इस तरह का ऐसा जाएगा, ये फिल्टर रहता है यहाँ पे, फिल्टर में ये फील हो गए, ये डाइलेक्ट्रिक का फ्लो मेंटेन करेगा यहां पे। ये इस तरह का आपका आएगा, ओके। तो ये डायग्राम आपका रहता है इस तरह का। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे समझ लो कि ये एक सर्किट से भी कनेक्ट रहता है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट से। तो सर्किट में थोड़ी देर बाद आपको शो कर दूंगा। मान लीजिए ये आपका ऐसा रहेगा, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है बैटरी के, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है बैटरी के, राइट। तो ये मैं आगे एक और फोटो दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका फिक्स्चर है, ये आपका फिक्स्चर है, और ये आपका वर्क पीस है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका है टूल, और टूल किस चीज का होता है, टूल होता है ग्रेफाइट प्लस कॉपर। अब होता है क्या, यहाँ पे इसमें हम लोग यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूड, तो यहाँ पे ये रहता है डाइलेक्ट्रिक फ्लूड, समझना इसको अच्छे से। ये पूरे में डाइलेक्ट्रिक फ्लूड है, ओके।
ये ऐसा है हमारा डाइलेक्ट्रिक फ्लूड। ओके राइट, तो ये डायलैक्ट्रिक फ्लूड यूज करते हैं। तो डायलैक्ट्रिक फ्लूड का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द डायलैक्ट्रिक फ्लूड? कोई लड़का बता दे मुझे। ये डायलैक्ट्रिक फ्लूड है, इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका क्या यूज है, क्यों यूज कर रहे हैं इसे डायलैक्ट्रिक फ्लूड? ये डायलैक्ट्रिक फ्लूड है और ये फिल्टर है यहाँ पे, जैसे ये रिसाइकल होता रहा, ये डायलैक्ट्रिक फ्लूड इधर से जाता है ऐसे करके, ये फिर आता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है हमारा। यही ईडीएम का हमारा एक ऐसा ये है। तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म सर, यहाँ पे मशीनिंग कैसे होती है इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सुनो, यहाँ पे मशीनिंग कैसे होती है बच्चों? होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक फ्लूड, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देगा यहाँ पर, इस रीजन के डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे, जैसे मान लो ये तुम्हारा ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस से कनेक्टेड है ना, ये प्लस से कनेक्टेड है, तो ये वाला तुम्हारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस चार्ज से कनेक्टेड हो जाएगा प्लस से, और ये वाला तुम्हारा माइनस से कनेक्टेड है तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस बोलो हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तुम्हारा माइनस से कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा कि ये माइनस है तो इसके सरफेस पे जो डाइलेक्ट्रिक है एकदम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। तो जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो फोर्स बाई चार्ज, मतलब किसी चार्ज पे फोर्स इंटू चार्ज, मतलब आप पढ़े होंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो आप अगर क्यू से डिवाइड कर दोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस टाइप का टर्म आता है। तो मैकेनिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं उससे, बस हमें ये थोड़ा सा समझना है कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वैल्यू ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, बहुत ज्यादा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स अगर हमारा बहुत ज्यादा लगेगा, सुन लो, तो सिक्वेंस क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे, टूल के सरफेस पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज करेगा। तो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डाइलेक्ट्रिक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब है कि उस फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी है तो उस पर बहुत हाई फोर्स अप्लाई करेगा, कौन, पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस इलेक्ट्रॉन को, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा ये करेगा, तो वोल्टेज डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, राइट। तो उतना हाई फोर्स से यह अट्रैक्ट करेगा, तो हाई फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन, हाई फोर्सेस अप्लाइड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हाई फोर्स अगर अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन पे तो उसकी एक्सेलरेशन हाई होगी, तो हाई एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन हाई होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम, मतलब जितना ज्यादा एक्सेलरेशन मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब हीटिंग वेलोसिटी, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो उतना हाई वेलोसिटी से वो आके वर्कपीस को क्या करेगा, हीट करेगा, तो क्या होगा, हाई हाई वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, हीट करेगा। तो हाई एक्सेलरेशन मीन्स हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन of electrons are going to hit the workpiece. तो high velocity means high kinetic energy. तो conclude क्या करेंगे हम लोग कि high kinetic energy, जितना ज्यादा electric field होगा उतना high kinetic energy electrons क्या करेगा, workpiece को आगे hit करेगा, high kinetic electrons hit the workpiece. तो जैसे ही high kinetic energy electron hit करेगा तो collision होगा,
तो कोलिजन होगा तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी, मान लो ये आया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के आया और यहां पे आके इसको हिट किया, हिट करेगा तो ये कुछ दूर जाएगा पेनिट्रेट करते हुए, तो पेनिट्रेट करते हुए जब जाएगा कुछ दूर, फिर बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में, कोलिजन हो रहा है ना, तो सारा का सारा काइनेटिक, जैसे मान लो तुम दौड़ते हुए आओ और इस दीवार से टकरा जाओ आके, तो दौड़ते हुए आओगे दीवार से टकरा जाओगे तो क्या होगा, जो भी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी थी दो फॉर्म में जाएगी, एक एक तो तुम्हारा जहां पे चोट लगेगा गर्म हो जाएगा, देखियो तो वहां पे एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस, तो वो एनर्जी दूसरे दो अलग डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर जाएगी, राइट। तो यहां पे वो क्या होगा, तुम्हारा हीट के फॉर्म में एनर्जी चेंज हो जाएगी, जो सारी काइनेटिक एनर्जी थी वो बहुत हाई हीट प्रोड्यूस होगा कहां पे, वर्कपीस के सरफेस पे जहां पे हिट कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बोलोगे तुम, हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हिट द वर्कपीस एंड नाउ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, ऑल द आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद, आफ्टर कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द वर्कपीस, ऐसा भी बोल सकते हो, आफ्टर हीटिंग द वर्कपीस, After heating the workpiece, high kinetic energy electrons, all the kinetic energy of the electrons get converted into heat energy. सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और ड्यू टू दिस हीट, ये जो हीट होगा और यही जो हमारा, सुनो, यही जो हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली जाके हीट करता है, कंटिन्यूअसली जो हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन हमारा हीट करता है, इसी से स्पार्क प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू हीट करता है जाके इसको, तो ये हमारा स्पार्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, स्पार्क, हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट से क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस, तो यहाँ पे बम्बार्डमेंट होगा हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का वर्कपीस पे, सही को इसी को क्या बोलते हैं, स्पार्क, तो ये हमारा स्पार्क प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ये स्पार्क, राइट, द बम्बार्डमेंट ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही ये स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ऑल द काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी क्या करेगी, मेल्ट करेगी, फ्यूज करेगी, इस हीट से क्या होगा, वर्कपीस हमारा यहां पर से, वर्कपीस यहां पर से उस हीट से मेल्ट होना स्टार्ट होगा, फ्यूज होना स्टार्ट होगा, वेपराइज होना स्टार्ट होगा। तो आफ्टर गेटिंग दिस हीट द मटीरियल, ऐसा लिख सकते हो, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो यहाँ पे ये मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन टेक्स प्लेस होता है, राइट। तो मैं अभी पूरा का पूरा थ्योरी लिखूंगा, ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा था। तो ड्यू टू दैट हीट फ्यूजन एंड वेपराइजेशन टेक्स प्लेस, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इस तरह हमारा मटेरियल रिमूव होगा, स्पार्क इरोजन होगा। अब अगली बात करते हैं इसमें, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कैसे कैसे सीक्वेंस होता है। तो वो वेपराइज जब हो जाएगा तो मटेरियल रिमूवल हो जाएगा, जब मेटल ही हमारा मेल्ट होके गायब हो जा रहा है, वेपर बन के गायब हो जा रहा है, मतलब वही तो मटेरियल रिमूवल हो रहा है। अब बात करते हैं सर, इसमें एक वर्ड यूज किए थे आरसी रिलैक्सेशन सर्किट, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो आरसी रिलैक्सेशन सर्किट जो इसमें यूज होता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो यूज होता है स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं हम लोग, स्पार्क एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखो अगर ये तुम्हारा टूल है, सुनो, अगर ये तुम्हारा टूल है, मान लो ये तुम्हारा टूल है, समझना बात को अच्छे से, ये तुम्हारा अगर टूल है,
ये तुम्हारा टूल है, ओके okay? चलो तो ये तुम्हारा टूल है और ये तुम्हारा वर्क पीस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर वर्क पीस है तो ये तो मटेरियल स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था, ये जा रहा है यहाँ से गायब हो रहा है, ये बताया था ना मैंने, तो ये वर्क पीस है, ये टूल है। अब ये कनेक्ट होता है एक सर्किट से, उस सर्किट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट। तो ये जब कनेक्ट होगा तो यहाँ पे एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे आएगा एक कैपेसिटर, ठीक है, ये आएगा कैपेसिटर, राइट। तो इसको बोलते हैं आर, इसके रेजिस्टेंस को, कैपेसिटेंस को बोलते हैं सी, और ये कनेक्ट होता है एक वोल्टेज से, राइट। तो ये है हमारा वोल्टेज वी, ये इसका वोल्टेज है वी, किसका, बैटरी का, और ये है कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी और ये आर। तो अब ये जो है हमारा, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, तो कैपेसिटर चार्ज होगा हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर कर लेता है अपने अंदर, तो वही एनर्जी ये क्या करता है, कैपेसिटर सप्लाई करता है, और जिससे स्पार्क यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा हमारा, राइट। जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके बारे में अगर समझा जाए, ये स्पार्क प्रोड्यूस होता है हमारा यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा स्पार्क प्रोड्यूसर है, ये आरसी सर्किट है, ये ऐसा डायग्राम। अब इसमें अगर आगे बढ़े थोड़ा सा इसमें देखें कुछ पॉइंट्स, थ्योरेटिकल पॉइंट हम लिख रहे हैं, देखिए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, गौर से देखिए इसे। ये क्या कह रहा है कि इन द फर्स्ट साइकिल द कैपेसिटर इज चार्ज, तो यहाँ पे जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो दो साइकिल में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आएगा कैसे उतना सारा, क्योंकि चार्ज सप्लाई कौन करेगा, कैपेसिटर देगा चार्ज यहाँ पे, तो चार्ज यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स बार बार हीट करेगा, बम्बार्डमेंट करेगा, और हमारा स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो बात आती है कि कैपेसिटर जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, तब तक तो स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो स्पार्क साइकिल टाइम, कितने टाइम के बाद स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, कितने देर के स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ऐसा बात करें हम कि स्पार्क साइकिल टाइम क्या है, तो इसमें चार्जिंग साइकिल टाइम और डिस्चार्जिंग दोनों को, क्योंकि अगर तुम्हारा स्पार्क का तुम बात करोगे तो जितना देर तुम्हें चार्ज करने में लगेगा कैपेसिटर को, और फिर जितने देर में डिस्चार्ज होगा, टोटल को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा वो क्या होगा, स्पार्क साइकिल टाइम। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए क्या है हमारा पॉइंट्स, सुनिए, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इन द फर्स्ट साइकिल द कैपेसिटर इज चार्ज, सबसे पहले द कैपेसिटर इज चार्ज, पहले साइकिल में कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, ओके, अंडर ए क्लोज सर्किट, अंडर ए क्लोज सर्किट अप टू ए सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई और मैक्सिमम, सप्लाई वोल्टेज ऑफ वी नॉट, सप्लाई वोल्टेज ऑफ वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, ओके, अप टू ए मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ वी नॉट, राइट। नाउ देन द सर्किट इज ओपन एंड द कैपेसिटर डिसिपेट्स चार्ज, ओके, नाउ द सर्किट इज ओपन, पहले चार्ज हो गया, कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे बैटरी से, राइट। अब सर्किट को ओपन करेंगे तो ये अब क्या होगा, सर्किट स्टार्ट हो जाएगा चार्ज का फ्लो, राइट। तो पहले सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज कर लेना इस बैटरी से, तो चार्ज स्टोर कर लेगा, फिर ये सप्लाई करेगा यहाँ पे जब सर्किट ओपन करेगा। चलो क्या कह रहा है, नाउ द सर्किट इज ओपन, नाउ द सर्किट इज ओपन,
Now the circuit open and the capacitor dissipates charge. Now the circuit is open and the capacitor dissipates charge करेगा. ओके अच्छा. ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक स्पार्क्स आर प्रोड्यूस. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. डिस्चार्ज जब कैपेसिटर करता है उसी वक्त इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है. इस पॉइंट को याद रखिएगा. चार्जिंग में तो सिर्फ चार्ज होगा, जब जब चार्ज हो जाएगा तब पूरा का पूरा चार्ज सप्लाई करेगा तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा. ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक स्पार्क आर प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रिक स्पार्क आर प्रोड्यूस. जब डिस्चार्ज होगा उसी वक्त इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगा. एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पार्क इंटेंस हीट आर प्रोड्यूस. स्पार्क का मतलब मैंने बहुत अच्छे से बता दिया. हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट को कंटिन्यू, उसी को बोलते हैं स्पार्क, राइट. एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पार्क इंटेंस हीट आर प्रोड्यूस्ड. बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है एंड इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट्स आर प्रोड्यूस्ड ओवर द वर्क पीस. प्रोड्यूस्ड ओवर द वर्क पीस, राइट. ओवर द वर्क पीस इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा और वो हीट को प्राप्त करके वर्क पीस क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा और वेपोराइज हो जाएगा. तो आप ऐसा बोल सकते हैं ओवर द वर्क एंड द वर्क पीस अंडरगो मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन. And the workpiece undergo melting मतलब fusion and vaporization. So this is how we got the material removal rate MRR. Melting and vaporization. Okay. Discharging of capacitor is a spontaneous, therefore it does not take any time. Discharging of capacitor is a spontaneous process which takes place in zero time, you can also say. मतलब discharging इतना fast होता है, इतना fast. मान लो charging में लगा 2 सेकेंड, मान लो बहुत कम time होता है, 2 मिली सेकेंड के आसपास 2 सेकेंड लग रहा है, तो discharging बहुत कम होता है, बहुत fast तुरंत discharge हो जाता है. तो इस line को भी याद रखेंगे. Discharging of capacitor is spontaneous so it's take place in zero time. ओके तो हमारा जो स्पार्क साइकिल टाइम पीरियड होगा वो चार्जिंग ऑफ, मान लो तुम्हें स्पार्क प्रोड्यूस करना है तो तुम क्या बोलोगे, पहले चार्ज कीजिए और फिर वो डिस्चार्ज होगा. तो टोटल स्पार्क साइकिल टाइम जो हो जाएगा, कितने समय तक टाइम पीरियड जो तुम्हारा हो जाएगा स्पार्क का, एक बार चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग, तो दोनों साइकिल टाइम को जोड़ेंगे. तो कैसे कैसे करेंगे वो हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप जरूर देखिएगा. तो मेरा जो भी लेक्चर रहता है बच्चों वो कनेक्टेड रहता है सारा का सारा. तो आप ऐसा नहीं है ईडीएम में लिखा हुआ हेडिंग में ईडीएम है, लेकिन ईडीएम का कुछ पार्ट आपको अगले लेक्चर में दिखने को मिलेगा. जो अगला लेक्चर रहेगा शायद उसमें हेडिंग यूएसएम हो, लेकिन उसका 15-20 मिनट मैं ईडीएम डिस्कस करूंगा, फिर वो टॉपिक डिस्कस करूंगा. तो आप जरूर देखिएगा कल हम लोग न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे ईडीएम का, और एक दो प्रोसेस और देखेंगे एजीएम और यूएसएम क्या होता है. तो बच्चों अगर आपको पसंद आया आपको ये लेक्चर, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और आपको कहीं भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.
तो बहुत कुछ इसमें भी हमारा बचा हुआ है जो हम लोग को देखना है, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके तो एक बार किसी का भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एनी वन हैविंग डाउट कैन आस्क मी। चलो चलिए चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू। तो जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब द अनअकैडमी और अनअकैडमी गेट, अनअकैडमी इज ऑल चैनल्स एंड वाईफाई स्टडी, वाईफाई इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल 101। तो सब आदमी मैकेनिकल 101 को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो मैकेनिकल का सेपरेट चैनल है। तो मैकेनिकल 101 को सब लोग को सब्सक्राइब करना है, एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब द मैकेनिकल 101 और यूज द आयास 10 रेफरल कोड। एवरीवन यूज द आयास 10 रेफरल कोड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन एन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ओके थैंक यू, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एन अकेडमी एंड वाईफाई स्टडी इंजीनियरिंग चैनल। थैंक यू, बाय।